हे गाइस, मैं नैन्सी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ आपसे बात करने वाले हैं, आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं और यूट्यूब पे इस टाइम क्या चल रहा है हम इसके बारे में बात करेंगे, और हमारे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं और जो बाकी और व्यूअर्स हैं वो वीडियो क्या देख रहे हैं, और हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो आप लोग को क्या दिखा रहे हैं, इस बारे में हम आज बातें करने वाले हैं। यहाँ पर मैं किसी के बारे में किसी की कोई बुराई नहीं करूँगी और ना ही मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँगी, बस मैं जो कुछ जो चीज़ें सही है और क्या होना चाहिए यूट्यूब पे मैं वो बताऊँगी। ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है आज मैं आपको वो बताऊँगी, तो उम्मीद करूँगी आप मेरे बात से सहमत होंगे और मेरा वीडियो पसंद आ भी आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब, और कमेंट बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे बातों से कितना परसेंट आप सहमत हैं हमें ये बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, एक निधि की दुनिया है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे सब लोगों को साइक्लोन की दुनिया से के नाम से उनको फेमस किए हैं, तो मैं भी उसी नाम से बुलाऊँगी। और जो है इसमें हम बताएंगे आपको, तो इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। इनका एक चैनल है और उस चैनल पे ये वीडियोज़ बनाती हैं, डेली ब्लॉगिंग करती हैं, और ब्लॉगिंग के साथ साथ ये क्या वीडियो बनाते हैं मैं आपको बता दूं। ये सिंगल मदर हैं और इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, ये अपने मायके में रहती हैं, तो वो उसी टॉपिक पे ही वीडियो बनाती हैं। गाइस, आप सबसे पहले हाँ मैं बता दूं, उनके साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, ऐसा किसी के साथ ना हो, और सिंगल मदर होना काफ़ी टफ हो जाता है, पर अगर हम नॉर्मल जो सिंगल मदर होती हैं, औरतें हमेशा स्ट्रांग होती हैं, वो अपने लिए कुछ भी कर सकती हैं, पर इनका जो है जरिया करने का, ये किस तरीके का है वो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या ये अच्छा कर सकती हैं इसके बारे में हम बताएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये वीडियो क्या डालती हैं। तो गाइस, ये वीडियो बनाती हैं, तो ये ब्लॉगिंग में सिर्फ हमेशा बनाती हैं, मेरे हस्बैंड के साथ ये हुआ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे ससुराल वालों ने ये किया, और बनाती हैं ये सब वीडियो पर, ससुराल वालों की बुराई डालती हैं, हस्बैंड के बारे में डालती हैं, ये डालती हैं, दुनिया भर की डालती हैं। तो यहाँ पे मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप जो वीडियो बनाती हैं, ऐसा किसी के साथ ना हो, आपके साथ बुरा हुआ है ये पता है सबको, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को इतना भी ज़्यादा अपने ससुराल वालों को या अपने मायके वालों को और ला के यूट्यूब पे, यूट्यूब के सवालों में आप खड़ा कर दें उनको, सोशल मीडिया के सवालों पे खड़ा कर दें, तो ये बिल्कुल गलत है, आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। आपके साथ जो पर्सनली हुआ है आप उस चीज़ को सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं ले आना चाहिए था। और दूसरी चीज़, आपने यहाँ पे अपने हस्बैंड के डेथ का एक मजाक बना के रख दिया। आप कहती हैं कि आप कुछ करना चाहती हैं, वो आपको देख रहे होंगे, ये है वो है, आपको अगर वो देख रहे हैं तो आप कुछ अच्छा कीजिए, जिससे उनको भी लगे कि हाँ मेरे ना रहने पे मेरी वाइफ ने ये किया वो किया, अच्छा चीज़ करिए ताकि उनको भी खुशी हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। आप कहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिल रही गाय, ये कर नहीं मिला, क्या हुआ, तो आपको इतनी फिक्र है तो आप कुछ अच्छा बनाइए, कुछ अच्छा करिए। और तीसरी चीज़ बता दूँ, आप अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हैं, आप कहते हैं हम अपने बच्चे का फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक पढ़ी लिखी, आप खुद कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो आप सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली वालों को या अपने ससुराल वालों को ना ला के आप कुछ अच्छा उनके लिए करिए। यूट्यूब पर ही अगर आप करना चाहती हैं तो यूट्यूब पर भी एक अच्छा नॉलेज दीजिए, लोगों को बताइए। और गाइस, आप लोग सब ब्लॉगिंग सब करते हैं, ब्लॉगिंग दिखाते हैं, कुछ भी ब्लॉगिंग में दिखाते हैं, तो ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी पूरी पर्सनल लाइफ यूट्यूब पर ले आ दें, सोशल मीडिया के बीच ला दें, पब्लिक के लाखों के बीच में हम ला दें, ये ब्लॉगिंग का मतलब नहीं होता। ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि हम आपको क्या सिखा रहे हैं, हमारा क्या टैलेंट है, हम किस चीज़ में टैलेंटेड हैं, क्या चीज़ में हमें इंटरेस्ट है, वो चीज़ हम आपको सिखाएं और उस चीज़ को आप फॉलो करें, ये होता है हमारा ब्लॉगिंग। हमें जो चीज़ हमें इंटरेस्ट है हम उस चीज़ को लोगों को दिखाना है, कुकिंग करना या जिस भी चीज़ में, जिस भी लाइन में हमें इंटरेस्ट है, या अगर आप ये करते हैं कि आप अपनी पर्सनल जो बातें हैं, जो पर्सनल चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो हुआ है, इस चीज़ को आप ब्लॉगिंग बना के ले आते हैं, तो ये ब्लॉगिंग नहीं है, इससे आपकी फ्यूचर पर इफेक्ट तो जाएगा ही,
साथ ही आपके बच्चे का भी भविष्य बहुत ख़राब होगा। आपको क्या लगता है, आप वीडियो बना के डाल रही हैं, अभी आपका बच्चा छोटा है और वो जब कॉलेज स्कूल जाएगा कॉलेज जाएगा और लोगों को बताएगा कि हाँ मेरी मम्मी यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाती हैं, तो अगर उसके साथ वाले जो फ्रेंड्स उसके होंगे वो वीडियोज़ को देखेंगे तो वो आपके बच्चे को क्या बोलेंगे कि आपके साथ ये और मेरे साथ ये हुआ, यही सब करके उसको बोलेंगे। वहाँ पर आपके बच्चे की लाइफ पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप अपने बच्चे को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हैं तो यहाँ पे आप एक बार ज़रूर सोचिए कि आप अपने बच्चे के लिए क्या कर रही हैं। आप पढ़ी लिखी हैं तो आप जॉब भी ज्वाइन कर सकती हैं या यूट्यूब पे आपके पास जो टैलेंट है वो दिखा सकती हैं, पर आप ये सब बिल्कुल नहीं करती हैं। आप हमेशा बस बुराई करती हैं, इधर उधर की बातें फालतू बताती हैं, सोशल मीडिया पर अलग अलग चीज़ें लाती हैं जो कि नहीं लानी चाहिए। और बात करें आपके थंबनेल की, आपके थंबनेल इतने गंदे हो जाते हैं कि एक बार पढ़ना भी ऑड लग जाता है कभी कभी। यहाँ तक आपके वीडियो को मैं थंबनेल से ही आइडिया लगा लेती हूँ कि आप वीडियो में क्या डालती हैं। तो आप थोड़ा वीडियो के जो थंबनेल बनाती हैं, कुछ भी आप वीडियो बना रही हैं, यहाँ तक कि अपने ससुराल वालों को भी सोशल मीडिया पे, वो तो चलाते भी नहीं हैं यूट्यूब, फिर भी उनको आप ले आ दी हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि वो सही हैं या आप सही हैं या वो गलत हैं आप सही हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, ना ही मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट है, पर इतना है कि आप उनको सोशल मीडिया पे क्यों ला रही हैं, क्यों उनको घसीट रही हैं, लोगों के सवालों में क्यों उनको ला रही हैं। और अब यहाँ हम बात करेंगे अपने व्यूअर से, जो हमारे व्यूज़ वीडियोज़ को देखते हैं, तो उनसे मैं कहूँगी कि आप लोग उनके वीडियो में क्या देखते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं तो क्या सपोर्ट करते हैं और उनसे क्या सीखने को पाते हैं। उनसे आप बस ये सीखने को पाते हैं कि शादी के बाद ससुराल में सास ससुर को ऐसे करो वैसे करो, सास ससुर होना ये बहुत ही बुरा है, तो ये सब नहीं होता है। अगर एक दस में कोई तीन गलत मिलेगा, चार गलत मिलेगा, सब गलत नहीं मिलेंगे। और अगर गलत मिलेंगे तो आपको वहाँ पे उनके मैनेज करना होगा, आपको खुद मैनेज करना होगा, अपना एक वहाँ पे अपना बनाना होगा उस तरीके से, ना कि आप उनकी बुराई करें। बहुत लोगों के होते हैं सबके परिवार में, सबके सास ससुर या बहू कोई ना कोई में किसी न किसी में कमी होती है, लेकिन कोई इस तरीके से अपने फैमिली वालों को सोशल मीडिया पे नहीं लाता है जिस तरीके से आप ले आई हैं। तो इस तरीके से आप ना करिए, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको कुछ अच्छा सिखाइए, अच्छा बताइए। आप सिंगल मदर हैं, आप अपना सिंगल मदर होने का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप लोगों को सिखाइए। बहुत लोग हैं जो सिंगल मदर हैं, उनको आप एक गाइड दे सकती हैं कि आप इस तरीके से काम करो, इस तरीके से करो, उनको सिखा सकती हैं बच्चे को केयर कैसे करना है सिंगल होने के बावजूद, अच्छा गाइडेंस कैसे देना है, ये सब आप उनको सिखाइए। ना कि आप उनसे किसी के बारे में बुराई, अपने ससुराल वालों की बुराई, उनको ये कहिए कि ये श्राप होता है, ये होता है, वो होता है, पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये सब नहीं होता है। उनके आगे भी दुनिया होती है, आपके साथ गलत हुआ है ये चीज़ हम मानते हैं, पर इतना आपको नहीं यूट्यूब पर बोलना चाहिए। और व्यूअर्स को कहूँगी कि आप वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो में कुछ अच्छा सीखिए, आप वो वीडियोस देखिए जिसमें आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। इनका वीडियो देखने के बाद मैं कमेंट अगर पढ़ती हूँ तो आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ इनका वीडियो देख के। तो गाइस, जो चीज़ आपको नुकसान कर रहा है आप उस चीज़ को क्यों देख रहे हैं? और आज का ऐसा टाइम चल रहा है, ये जो टाइम हमारा चल रहा है इसमें ऑलरेडी सबके फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियली परेशान है, कोई फैमिली से परेशान है, कोई सोशली परेशान है, तो हर कोई डिस्टर्ब है, कोई अपनी जॉब को लेकर डिस्टर्ब है, तो सब डिस्टर्ब हैं। तो यहाँ पे एक यूट्यूबर, एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हमारा होने का हमें एक क्या करना है, लोगों को अच्छी चीज़ें बताना है, उनको इस टाइम पे कैसे हमें सपोर्ट देना है, उन्हें क्या सिखाना है ये हमें बताना है, कि उनको एंटरटेन करना है, ना कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता के उन्हें डिप्रेशन में डालना है। तो गाइस, आप लोग वो वीडियो देखो जिससे आप अच्छा फील करो, आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ नॉलेज मिले, आप उस टाइप के वीडियोस देखो। अब इनका वीडियो देख के आप लोग बस, मैं देखती हूँ आप बस सब कहेंगे कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होगा, हम शादी नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद अपना अपना किस्मत होता है, अपने ऊपर डिपेंड होता है आप कैसी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सासी ससुर गलत हो, और ज़रूरी नहीं है बहू ही गलत हो, दोनों में से कोई ना कोई एक गलत हो भी सकता है। दोनों गलत कहो कि सासी ससुर गलत हो तो ये नहीं है, दोनों में से कोई एक बिना एक के गलत हुए कुछ भी नहीं होता है। या तो बहू भी गलत हो सकती है, आजकल की बहुएँ भी बहुत ये नहीं है कि सब अच्छी ही जाती हैं, हालाँकि सब अच्छा सोच के जाती हैं मैं जाऊँगी तो ऐसा ही करूँगी, लेकिन कुछ के साथ अपना हालात देख के वो कुछ हो जाती हैं, कुछ पहले से होती हैं, और कुछ सास ससुर होते हैं जो
आपके साथ थोड़ा आपको डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं, पर वो आपकी फैमिली है, आप उनको अपने घर में सॉर्ट आउट करिए, ना कि उनको प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे लाके उन्हें खोल दीजिए। और आप बच्चे का अपने थोड़ा सोचिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको ही मैं बोलूँगी, आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो, आप उसके लिए कुछ अच्छा करो, उसके लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करो। आप रोज़ पता नहीं क्या क्या प्रूफ दिखाती हैं, और दिव्या मंत्रा के साथ भी मिल के पता नहीं क्या क्या, दिव्या मंत्रा भी आपके खिलाफ़ वीडियोस बना रही हैं, ये बना रही वो बना रही, आपके खिलाफ़ इतने सारे वीडियो बन रहे हैं, आप एक आइडिया भी नहीं लगा सकती हैं कि आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का, वो कितना परेशान होगा, कितना डिप्रेशन में जाएगा, आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हैं। आप अगर आप एक बार ये सोचिए कि व्यूअर्स जब इतने आपके परेशान हो सकते हैं, इतना डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो आपका बच्चा जब समझदार हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो किस लेवल तक परेशान होगा, किस लेवल तक डिस्टर्ब होगा, उसकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा, उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ के अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम है अपने तक ही सॉल्व करिए, पर्सनल चीज़ें अपने यूट्यूब पर मत दिखाइए, और दिखा भी रहे हैं तो इतना भी पर्सनल जिस तरीके से आप दिखाते हैं इतना पर्सनल नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी होती हैं एज ए यूट्यूबर, कुछ चीज़ें हमारी होती हैं जो हमारे तक होना होता है, जो चाहे हम यूट्यूबर हैं या ना हैं, क्योंकि यूट्यूब के भी बाहर हमारी एक दुनिया है, यूट्यूब के बाहर हमारी फैमिली है, हमारा रिलेशनशिप है, हमारे रिलेटिव्स हैं, तो इन सब चीज़ के भी बाहर, यूट्यूब के बाहर भी हमारी एक दुनिया है जिसमें हम जीते हैं रहते हैं। तो अगर हम YouTube पे इन सब टाइप की चीज़ों को दिखा रहे हैं तो हम अपने फैमिली, अपने रिलेशन, इन सब चीज़ों पे क्या असर डाल रहे हैं, ये आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। तो आप लोग हमें बताइए गाइस, आप लोग कितना मेरी बातों से सहमत हैं, और आप लोग इनके वीडियो देखते हैं तो आपको क्या सीख मिलती है इनके वीडियो में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप वो वीडियोस देखिए जिनमें आपको नॉलेज मिले, अच्छी चीज़ें देखने को मिले, वो चीज़ें देखिए। सिंगल मदर ऐसा ही नहीं है कि यही नहीं है, यही है, दुनिया में बहुत सारे सिंगल मदर हैं, बहुतों के साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुतों के ससुराल वाले ने बहुत कुछ किया है, बहुतों के बहू ने भी बहुत कुछ किया है, तो वो अपने सोशल मीडिया पर नहीं ले आ देते हैं, सब परेशान है आज के ज़माने में, जो कोविड का टाइम चल रहा है इसमें सब परेशान है, सब अपने किसी न किसी को खो ही रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा फ़र्ज ये बनता है कि हम एक YouTube पे अच्छी वाइफ्स दें, क्योंकि हमारी जो हाउस वाइफ, हमारे वीडियोस को ज़्यादातर हमें लगता है कि हाउस वाइफ या फिर लड़कियाँ ही देखती हैं, तो अगर हम उन्हें इस तरीके की चीज़ें दिखाएंगे तो वो और भी डिप्रेशन में जाएंगी। जो हमारे वीडियोस को देखती हैं वो सिर्फ एक एंटरटेनिंग के लिए देखती हैं, और हम उनको एंटरटेन करने के बजाय उनको डिप्रेशन में डालेंगे, वो डालेंगे तो वो भी, उनके मन भी यही सब चीज़ जाएंगी। हाउसवाइफ हैं, उनके भी सास ससुर हैं, तो वो भी उनके बारे में यही सब मन में डालेंगे कि मेरे भी सास ससुर हैं ऐसे ही होंगे, ये है वो है। और जो लड़कियाँ हैं अनमैरिड हैं वो भी ऐसे सोचेंगे कि मुझे ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही ससुराल, ऐसा ही हस्बैंड, ऐसा ही मेरे साथ होगा। तो इन सब चीज़ों को आप छोड़ के अच्छी वाइफ्स देखिए, गुड अच्छी चीज़ें देखिए, गुड वाइफ्स लाइए यूट्यूब पे, आप ये सब चीज़ें करिए, ना कि आप एक दूसरे की बुराई या आप गलत चीज़ों को यूट्यूब पे डालें। हमेशा मैं आपके वीडियो में रोना धोना और डिप्रेशन, और हमेशा एक दूसरे की कंप्लेन, कहीं ससुराल वालों की, कहीं किसी की, कहीं किसी की, आपके वीडियो में बस यही होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपको जिस चीज़ में टैलेंट है, आप पढ़ाई में है या आपको सोशल स्किल्स है या आपको जो हैंडक्राफ्टिंग अगर अच्छी है, तो आप इन सब चीज़ों को करिए, ना कि आप बुराई लाइए यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे आजकल तो बहुत ज़्यादा बुराई चल रहा है, ब्लॉगिंग के नाम पे सब कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी बनाए जा रहे हैं, ब्लॉगिंग में हमें क्या बनाना है इसका तो मतलब ही सब भूल गए हैं। तो आप उस तरीके का काम करिए जो सबको अच्छा लगे, पसंद आए, ना कि आप इस तरीके से जो मन करता है वो आप वीडियो डालती हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर ले आती हैं। तो गाइज आई होप आपको मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में भी आया होगा। अगर मेरे वीडियो से सहमत हैं या कुछ मेरे वीडियो में आपको सीखने को मिला हो, कुछ समझ आया हो मेरी बातों से, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और
मैं एक चीज़ यहाँ बोल दूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिंगल मदर होना, वो सिंगल मदर हैं तो या मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ कुछ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं उनकी कोई भी बुराई नहीं कर रही हूँ, बस मुझे जो उनके बारे में बोलना है, जो उनकी वीडियोज़ के लिए कि जो मुझे कहना था मैं वो चीज़ कह रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला है बुरा, कि वो ऐसी हैं वैसी हैं, ये सब चीज़ें मैंने नहीं बोली। वो जो भी हैं उनका भी अपना एक रहने का एक तरीका है, अपना वो आइडेंटिटी है, उस चीज़ को अपने वो लेके चलें। हाँ, मेरा कहने का मतलब इस चीज़ से है, मेरा ये मतलब नहीं है कि उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड नहीं है तो उनके साथ हम कुछ भी उनको बोलें, तो ऐसा नहीं है। मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से बनाओ कि लोग आपको याद करें, लोग आपको समझें, और आपका यहाँ तक कि आपका बच्चा बड़ा होने के बाद आपकी वीडियो को देखे तो अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। तो अब इन सब चीज़ों को करिए जिससे वो अच्छा चीज़ सीखे। अभी तो छोटा है बेचारा, बाद में बड़ा होगा तो उसके साथ क्या होगा, वो क्या सोचेगा वीडियोस आपके देख के, ये तो तब की बात है। तो मैं यहाँ पे किसी कमेंट नहीं कर रही हूँ, बुराई नहीं कर रही हूँ। वीडियोस को गाइस मेरे देख कर ही कमेंट मुझे करिएगा, क्योंकि हमें पता है आज मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है तो मुझे बहुत से लोग हैं जो बहुत बुरा भी बोलने वाले हैं, बहुत से लोग हैं जो मुझे मेरे वीडियोस को समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे बात से सहमत कितने परसेंट है हमें वो बताइएगा, ये नहीं कि वीडियो में उल्टा सीधा बोलें। तो आप भी एक बार अपने तरीके से सोच के देखिएगा कि आप कितने परसेंट, कितने लोग हैं जो अपने फैमिली, अपने अपनी प्रॉब्लम को यूट्यूब पे आप रख सकते हो, इतना आपको राइट है, इतना आपके फैमिली ने आपको छूट दिया है, या इस तरीके से कर सकते हो। ये सब चीज़ सोच के ही वीडियो में मेरे कमेंट करना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोग हमारे वीडियो को देखें और समझें क्या सही है क्या गलत है। तो उम्मीद करूँगी वीडियो पसंद आया होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।